कारगिल की लड़ाई हो, चाहे पुलवामा हादसा हो, हमसे आप सब ज्यादा जानकार है। जब जब यह सरकार आई है तब तक हिंदुस्तान खतरा में पड़ा है। उन जवानों के लिए इशारा है, जवान जो जवान हमारे बीच नहीं है, उन जवानों के लिए कवि का इशारा है भूमिका के माध्यम से बहादुर। I love you।
अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था, आज परिवार के लोग धीरे धीरे किसी तरह से जीविका चला रहे थे, समय बिता रहे थे, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। छोटका बेटा भी 12 साल के बाद कि पिताजी अचानक के दुनिया के छोड़ के चल बसलो। पिताजी के गुजरला के बाद सारा घर के जिम्मेवारी माई के ऊपर। सोचा था कि कैसे अपने परिवार के लेके ये दुनिया में जियो, मरता क्या नहीं करता बाबू। आज पिताजी के गुजरला के बाद बड़का बेटा अश्वनी कुमार यादव अपने माई के काम में हमेशा हाथ बटावल करे, हमेशा शब्द हवल करे। माई तू चिंता मत कर, बाबू जी नहीं खतका, हमने के बानी जाना, कोनो चीज के तकलीफ ना होई। हम वादा करतनी के ही गरीबी में तोहार किसान के बेटा एक दिन ना एक दिन पढ़ लिख करके फौजी जवान बन के देश के सेवा करी। माई रोवा तड़ी के लाल पढ़ लिख के भले दूसर नौकरी कर लिया लेकिन कबो फौजी मत बनी हो। सुनले बनी ये हमार बाबू, सुनले बनी कि फौजी जवान देश के सेवा करे जालो, लेकिन बहुते कम लोग देश के सेवा करत करत वापस अच्छा से लौटे लो। ये वंदिया कोई के छोड़े ले ना रे बेटा, भले दूसर नौकरी कर लिया लेकिन फौजी कबो मत बनी है। ध्यान देना आप लोग बिरहा पर, आज माई अपना बेटा के समझावा करी कि ये बेटा भले कोनो दूसर नौकरी करी है लेकिन फौज की नौकरी मत करी है। कहल आदमी की बाबुर लाहिर के झुरकू तो हमेशा काम जहुआ बेले। अरे कभी कभी माहौल ऐसा हो जाए, एक दूसरा आदमी ऐसा हो जाए, खुद आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। कहल आदमी की बाबुर के झुरकू टाहिर के माई के सेवा करत रहन, घर परिवार के देख रेख करत रहन, धीरे धीरे पढ़ाई भी करत रहन। अहिरे के बेटा भले दूध रोज नहीं मिलत का, अगर एक गिलास अगर प्रतिदिन अगर मठा मिले तो जन्मे ना करी हम। ऐसे के जे भैंस चरौले हो, जे दूध दुहले हो, जवन अहिरिन दही ना जमावे हमार बात छोड़ो। लेकिन हमनी के माई चाची दादी काकी उन बड़का बड़का बेहूरी में दूध दही घर दूध गर्म कौन सी में होके पावड़ा होके हाँ माटी के बने आ वही में बड़की को हतरी होके ये गरीब भले जमाना दूसर हो गई बतका। ध्यान दे बाबू, अश्वनी कुमार यादव पढ़ने में भी बड़ा तेज थे। जब पढ़े जाते अपने साथियों से कहे का कहे बिरहा में गीत लिखल गई भरते हैं तो लिखना पड़ा क्या भारतीय
साथी अब से कहे कि भैया जाना तर लो, हम गरीब परिवार से बने, कैसा पढ़ाई पूरा करी है लेकिन सपना बा शरीर पर वर्दी चढ़ाई धरती माई के रक्षा करो। आज गरीब का बेटा पढ़ने में तेज था ही, पढ़ाई पूरा करने के बाद जब फार्म भरे हैं, पर आप लोग ध्यान दे, अश्वनी कुमार यादव जी पढ़ाई पूरा करने के बाद 2007 में फार्म भरे थे। अरे उपिगाने वाला है, विराह बनाने वाला ना है। गरीब बूढ़ी माँ का बेटा अश्वनी कुमार यादव फार्म भरे हैं। आज जब फार्म भरे तो लिखना पड़ा क्या, भर्ती हो गई बिना सुर से अरे कमली करनवा
बिहार के बोलिया जवाई दूसरे तरफ मन में बड़ा कष्ट हो कि हम लाल अब हमके छोड़ के चल जाए। बेटा के जहिया विदाई करो तड़ी रो तड़ी गुड़ दही खिया के चतरा बनाव तड़ी अब बैठा के अपने लगिया एगो बात समझाओ तड़ी अपने लाल के कैसे अरे जाबे कर्जा चुका दी हो कभी दुश्मनों के सामने अपनी गर्दन मत झुकाना। रोने लगा अश्विनी कुमार यादव कहता है कि माँ आप चिंता मत करो तुम्हारा लाल वादा करता है कि दूध का कर्जा चुकाएगा कमीनों के सामने कभी मेरी गर्दन नहीं झुकेगी। इन कमीनों को चून चून करके मारूंगा जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा। माँ जब सुनी है तो दूसरी बात कहती है क्या बहादुर अरे बेटा वहां बाहर रोकी हत्या आंसू पूछत रहो कि तू कैसन बात करत अड़ू माई तोके तो हमके हौसला बढ़ावे के चाहिए। तू रोवत अड़ू तू चिंता मत कर हम वादा करतरी कि घर परिवार सबके देखब आ संगे संगे धरती माई के रक्षा भी करब ये हमार वादा बा। अश्विनी कुमार यादव अपने माई से आशीर्वाद देलो माई दूर दहिया गुड़ खिया के जतरा बनौली। वीर अश्विनी कुमार यादव वहां पहुंचते हैं जहां की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तिरंगा झंडा के नीचे खड़ा होकर के अश्विनी कुमार यादव अहिरे के बैठवा कसम खात है कि हम कसम खात है ये तिरंगा के कि जब तक हमारे शरीर में खून के एक एक कतरा रही ये तिरंगा के ऊपर कभी आंच आवे ना दे। मेहनत के साथ लगन के साथ बहादुरी के परिचय देने वाला यादव का बेटा वीर अश्विनी कुमार यादव ट्रेनिंग पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद जब ड्यूटी देने लगे धीरे धीरे समय बीते लगो एक बारी तो नौकरी के पावल भगवान से भेंट गई। खाली फौजे के नौकरी ना चाहे मास्टरी की नौकरी होके चाहे चपरासी के नौकरी होके चाहे कंडक्टरी के नौकरी होके सरकारी नौकरी के पावल भगवान से भेंट गई। अश्विनी कुमार यादव जब फौज में भर्ती भइलन मास्टर साहब
अभी तीने साल बीतल बा कि दुवारी पर तिलकहरू लागल लो खाचे। अरे वाह तिलकहरू। अच्छा तो रंग रंग के कपड़ा कुल पहन के आवे तिलकहरू। कहाँ कहाँ से ए भाई लड़का चोख बा। लड़का छरहर बा। लड़का छरहर बा। दूसरका में फौज में भर्ती हो। अब ऐसन ऐसन कुल तिलकहरू काहे ना आई लो। एकदम आई दुआरी पर तिलकहरू के लाइन लग गई। ये घरी मालिक के रहता के ये घरी जो नौकरी पा लतन उनकर मालिक हो जतन मौसा लो ना तो मामा लो। हां नहीं तो सनुआ लो। अगर दुआरी पर तिलकहरू लो आ गई लो तो पहले ही जो बाप मौसा मोचपुर के टाइट हो। अरे वाह मर्द कहां सनुआ सबाई बनी जाए। हां दिल कहरू बताई लो कि हम फलाना ठंड से आई बनी। देखी जब पानी उन्हें पी ली जा। रसड़ा के बगल से आई बनी जा। लेकिन जाना तनी अभी काल है इन्हें लोग बगल लिए खेत। कहाँ से? यही बगल लिए से हो बगल लिए साइड हुए। तेरे कमा के नमा बताओ ये। यही बगल है साइड हुए लोग 5 लाख रुपया देते रहुए लोग वो चरचक्का गाड़ी देते रहुए लोग। हाँ वो पाड़ी देते रहुए लोग। लेकिन बिया हम ना कर दी। ऐसे की कहे के मतलब के हम दहेज मांगतो नहीं की। एकरा से ऊपर देबा तब होई या ना तो जा रास्ता खरा। तनी मनी ध्यान दे बाबू यही बागी बलिया के जनपद बलिया ग्राम ग्राम गांधी नगर हम चाह बोला चली ना हो भैया थाना ब्लॉक परिवार बारी थाना खेजुरी के रहने वाले गुलाब यादव की बेटी जिसका नाम बताया गया अंशु। अंशु के पिताजी यानी गुलाब यादव जी अपने बेटी की रिश्ता लेके गाजीपुर में पहुंच लो अश्वनी यादव के घर है। माई सोचली कि हमारे बेटा के अगर शादी हो जाए तो कम से कम समय पर ये बुढ़ापा के शरीर में पतोई घर में आ जाए तो दो रोटी समय से बनाई के दी। ए बाबू बड़ा संजोग ऐसा बनेला कि दोनों रिश्ता में मिलेला। इन्हें अश्वनी कुमार यादव के माई अपना बेटा के शादी तय कर दे रही। देखा मास्टर साहब ये रिश्ता ऊपर से तय हो गया वेला। रिश्ता तय हो गई गुलाब यादव के बेटी जेकर नाम अंशु। अंशु से अश्वनी कुमार यादव के शादी हो गई। नई नवेली बनकर के दुल्हन वह आती है गाजीपुर में ससुराल में रहने लगती है। धीरे धीरे कितना साल बीता 5 साल का समय बीत जाता है। सास के महतारी समझे दोनों देवर के भाई समझे ये बाबू आज ससुराल के दुख हमारे दुख। पूरे परिवार के लोग अंशु के पाई के बड़ा खुश हो। धीरे धीरे समय बीतत बा फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात बड़न। लेकिन 5 साल के अंदर भगवान ऐसा पूछ दिया कि 5 साल के अंदर अंशु से और अश्वनी कुमार यादव के संपर्क से 5 साल में भगवान दूगो दे दिया। काके जलन हो संतान। सबसे बड़ी बेटी है जिस बेटी का नाम बताया गया आयशा और बेटा छोटा बा जोन बेटा के नाम बतावल गई आदित्य। आदित्य छोटा था पूरे परिवार के लोग खुश बड़ो। इन्हें अश्वनी कुमार यादव ड्यूटी करत रहो। धीरे धीरे 2007 से आप नोट कीजिएगा कि 2007 से ड्यूटी करते 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 कितना समय बीत गया 2020 2020 और मार्च का महीना था यानी होली के समय रहो। मार्च के महीना में अंशु अपने फौजी पति के पास फोन लगा ली। फोन लगा के अपने फौजी से को बात करी बिरह में गीत बदल गई। दोनों मरद मेहरारू के प्रतिदिन के काम बा। जब तक मजनुआ अपने उनका से खाली ले ही ना स्किन टच एलियो बा स्किन टच ओलियो बा। जब देखियो सब एकदम सून सपाटा बा तो अगर ही ना लगाई तो वो जरूर लगाई। अब दोनों में अगर कोनो फोन उठा ले हम सब कहीं भी तनी कोरे चलो कोरे क्यों बाने नो क्यों देखे तो तनी बगल में आवा।
प्राचीन लोकाय से कहे थे हम ज्यादा कुछ नहीं करी दे दादा हां देख जब तक का मांगलो सम टबले टबले यही तरह देखियो सो अच्छा अब देखियो सके ने माने आदमी नहीं खे तब तो मजे में एनर्जी मिल जाती तू लाइन समझावत या कैसे मार चढ़ा हो अरे हो हमर सो जानते हैं चिंता मत करो आऊंगा तो बेटी के लिए साइकिल लेकर आऊंगा बात हो ही रही थी तब तक बगल से आवाज होने लगा अश्वनी कुमार यादव कहते हैं कि अंशु जल्दी फोन रखो लग रहा है कि बगल वाले मानेंगे नहीं बगल वाले कहती है कि कौन बगल वाले अश्वनी कुमार यादव कहते हैं कि बगल वाले साले दोगले किस्म के होते हैं बगल वाले का मतलब पाकिस्तान बगल वाला का मतलब उन्हें मत सोचिए मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये साले कमीने अपने आदत से बाज आने वाले नहीं है हमेशा हमारे
सब छल की मारे कमीने किए हैं। अब वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का। अश्वनी कुमार यादव के बतिया सुनते अंशु फोन रख दे। अश्वनी कुमार यादव अपने साथियों को सतर्क कराते हैं। अब वही पहुंचे जहां से आवाज हो रही थी। साथियों को लेकर के वहां गए और कुछ साथी मिलकर के लड़ाई के मैदान में सार आतंकियों को मार गिराते हैं। पेपर में आप लोग पढ़ले हो खो, शायद उस दिन आप लोग के याद हुई। चार आतंकियों को मार गिराते हैं। बहादुरी के पर्चे देने वाला गाजीपुर का लालू हफीज अश्वनी कुमार यादव। लोग पीठ थपावत हो, क्या बहादुर हो। उनकी ड्यूटी जानते हैं दूसरे जगह कहां लगाई गई। उनकी ड्यूटी दूसरे जगह लगाई गई है, कश्मीर के कुपवाड़ा जिला हिंदवाड़ा सेक्टर में। वही दूसरे जगह फिर तैनात की जाती है। और जब तैनात हुए तो हमारे कवि जी दर्शाते हैं कि वहां एक रोज पहले हमारे देश के 5 फौजी जवान मारे गए थे। शरीरिया का खुनवा खौले लगल, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कमीना पाकिस्तान मेरे 5 भाइयों को मारा है। तो मैं कसम खाता हूं कि 5 भाइयों का बदला जब तक 10 को नहीं मारूंगा चैन की नींद हम सोने वाले नहीं है। उठाए हाथ में हथियार जब चलने लगे तो वीरताई का भाव लिखना पड़ा। साफा ऊपर वाला रिटर्निंग बम करते बड़ा खोला हो, इसको भारी बनाइए, उड़ रहा है आपका आवाज। हेलो, बताओ कितना सुंदर बोला था। फिर हाँ, मैं कमीज बड़ा सुंदर गीत लिख लो बहादुर। रोज तो के समझाई ला मास्टर कि आज राम के वल से भेंट भइला सना। कहत हन कि मैं दाव लगावत रहली हो। मीरा मूर्ति कैसन हड्डी देखे भरल करी हो। ये तो कुल अगल बगल वाला ऐसन ऐसन कुल बगल ही भरल ही। रोज बताई ला कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं खेल। पहला नंबर तो मीरा चढ़ेली ना चढ़ेली तो उतरे का आदत नहीं खेल। का करू मास्टरवा के जान लेबू का। तोरे मास्टर पे के चढ़ी आ जहां तक ले चढ़े उतरे के सवाल हो तो दोनों लकड़ी एके बार। कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखल।
हमके लौटे कही के मूर्चा बंदी हरकत कहले पपिया बंदी देश के बहादुर जवान डट करके मुकाबला किए यहां तक कि अभी बड़े होंगे मूर्चा बंदी हुई देश के बहादुर जवान लड़ाई से जब वापस आ रहे थे तो फिर कमीना अपने आदत से बाज नहीं आए छिप करके पीछे सवाल करते हैं और जब पीछे से गोली चलावलन एक जवान नहीं दो जवान नहीं हमारे देश के तीन फौजी जवान शहीद हुए जिसमें कांजीपुर का लाल वीर अश्वनी कुमार यादव भी सीने में गोली खा करके वीर गति को प्राप्त कर गए हैं धरती मां का वह लाल धरती मां के आंचल में विलुप्त हो गया है जवान उठाते हैं उस लाश को और उठा करके तिरंगा में लपेट करके जब ताबूत में बंद करने लगे एक जवान फोन के द्वारा वीर अश्वनी कुमार यादव के घर सूचना दे रहा था और जब सूचना देने लगा तो कबीर जी बिरहा के अंदर टेरी में लिखते हैं यहाँ एक फौजी जवानों का सवाल नहीं दो फौजी जवानों का सवाल नहीं यहाँ तो आए दिन हमारे देश के बहादुर फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उठाए के तबूत में बंद करके लसिया के जब लेके चले लगलन एक जवान फोन से सूचना दे रहा था और जब सूचना दिया तो कबीर जी को लिखना पड़ा फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजमून दिया फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजमून दिया देश हित में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया अरे बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया मेरा बेटा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो साहब बातें बंद करो क्यों हमको दुख पहुंचाते हो माई के जानकारी मिलल के दुनिया में हमारा लाल नहीं खे दुनिया में कौन शर्माई हुई है बाबू कि जब सुनी के दुनिया में हमारा लाल नहीं खा चौला बेटा के ऊपर जिंदगी पार करे के भरोसा रहा आज लाल लिखे कहती है साहब कि ऐसा नहीं हो सकता मेरा बेटा हमें छोड़ करके नहीं जा सकता अरे हमारे लाल के करेजा तो बाप के करेजा रहल है साहब हमारे बेटा के करेजा बाप के करेजा रहल साहब हमारे बेटा शहीद नहीं के हो सकत साहब कौन समझाए उस माँ को जिस माँ ने कभी उस बेटे को आंगन में अंगुली पकड़ करके चलना सिखाई थी कटोरा भर भर के कभी वह माँ अपने बेटे को दूध पिलाया करती थी दुनिया की बुरी नजरों से अपने बेटे को छाती से लगाया करती थी वही माँ जब सुनिए कि मेरा लाल इस दुनिया में नहीं है सोच रही है कि जीने से तो बेहतर है अपने आप को मार देना लेकिन इंतजार करत रही कि बेटा कि एक बार नसीहत देख लेती आखिरकार ये बाबू 5 मई 2020 को कोरोना काल में आप सब जानते बनी कि इतना हर जगह नाकाबंदी रहो कोरोना का बीमारी चरण सीमा पर थी हमारे बिहार वाला जो पुल है बक्सर में उसको भी लोग बंद कर दिए थे चारों तरफ बंद किया गया था लेकिन लोग जानों की परवाह न करते हुए उस समय करते हैं क्या बिरहा में गीत लिखना पड़ा रुपया देके सम्मानित कई गल देवे वाले भैया के प्रणाम बा अब निवेदन करब कि वो माई के दिल के वेदना बा कहेला आदमी
कि माई के दिल जोन बा ऐसा होला कि पूत का पूत हो जाए लेकिन माता को माता ना बोली है बाबू। उस माँ को कौन समझाए जिस माँ ने इतने लाल को छाती से लगा करके यह सपना देखा करती थी कि मेरा लाल बुढ़ौती का सहारा बनेगा। इंतजार करता रही लसिया कैला के कवि जी के लिखे कपड़ा बहादुर अरे कवने करनवा कवने करनवा जोगी जोगा हुआ लसिया आई कुछ जवान मिल करके भी अश्वनी कुमार यादव के अर्थी को जब ले करके उस गांव में आते हैं माई भेड़िया के हटावत अपने शहीद बेटा के लगिया कैली बड़का पेटी देखली वही पेटिया पपुड़िया पटक पटक के रोवे कहे कि हे लाल तू तो हमसे वादा कैले रहला कि गरीबी दूर करब ना का समझती कि हमार बेटा ये दिन देखेगा ना घर में सूखल रोटी खाए की जिंदगी बिता लेती कभी तो के फौज की नौकरी ना कर देती। कौन समझाए उस माँ को जिस माँ ने अपने जवान बेटा को खोई है शहीद बेटा से रो रो करके कहती है कैसे बहादुर खाई के पछाड़ा गिरी कोई सहारा बने। आज जो माई अपना बेटा के खोई के जैसे पागल हो गई बड़ी ये बाबू कभी अपने शहीद बेटा के देखे तो कभी अपने पतोई के ऊपर नजर डाले। एक तरफ वो हम मां रो रही थी पागल बन चुकी है घरवा के अंदर से बाबू रोवत दुल्हिया आई। अच्छा दुल्हिया यानी जब बहू के देखली सांस से बाबू तो लिखे पड़ल का लाल तो ये लईबे हो पूरा सारा देवता देवी के बैठा दिया जा
आ एगो पलड़ा पर माई बाप के बैठा दिहल जा हमके विश्वास कि देवता देवी वाला पलड़ा भागे में भले हलुक हो जाइए लेकिन माई बाप वाला पलड़ा भारी हो जाइए बाबू। आए आज शायद वो हम माँ नहीं होती तो ना हम होते ना आप होते ना पूरी दुनिया होती। माई ने तड़प तड़प ना भैया तू का करत हो और नई नवेली दुल्हन जिस पति के नाम से अपने मांग में सिंदूर लगाई थी कभी अपने टूहरन बचवन के देखे बाबू तो कभी अपने शहीद पति के देखे रो रो के कहे कि काजी आप तो साथ फेरा लेते समय जी मरे के कसम फैले रही। अरे बगली से का कसूर हो गई कि आप हमेशा हमेशा खातिर हमसे नाता तोड़ ले। शहीद पति से सवाल करती है वह दुल्हन कैसे बहादुर बिरहा में गीत दिहल गए लेकिन अब तोरे बेटी के के पढ़ाई तोरे बेटी की के साइकिल ले आके दी। बाहर दुनिया एक तरफ सिंदूर तो दूसरे तरफ दोनों तुहरा बचवन बड़ा ले बाबू वो बचवन के देखे शहीद पति से कहेगा याद दिलाई हम तो हके अपनी करानी हो रहा लेकिन यह दुनिया के लोग तेरे शहीद भैया के बाद कुछ ही पल में मेरे हाथ की चूड़ियां फोड़ देंगे। यह दुनिया के लोग हमारे मां की सिंदूर भी मिटा दी। ये दोनों बचपन के लेके अब केकरे सहारे जियो एगो हमार बिनती बाप से का कहे आखिरी लाइन खोला अखिया बोला कुछ रोवत बा परिवार को हमारे देश के वीर जवानों ने खूनों से सींचा है
आज उसी धरती पर वर्तमान समय में जो स्थितियां आप देख रहे हैं, हमारे देश के बहादुर जवान उन कमीनों से लड़ करके इस धरती माँ को आजाद कराए हैं। आज उसी आजाद देश में ऐसा भी आप सब देख रहे हैं कि प्रतिदिन जानवरों की तरह हमारे भाई हमारी बहन बेटियां काटी जा रही है, प्रतिदिन का काम है और इस समय लगातार हो रहा है। वर्तमान समय में कोई ऐसा दिन नहीं है, आप सब देख रहे हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि हम और आप अगर बोलने का काम करते हैं तो ऐसे भी लोग हैं कि मिनटों सेकंड में हमारे ऊपर भी चार्ज लगा दिया जाएगा और किसी न किसी बहाने से हमको भी जेल में ले जाकर के बंद कर दिया जाएगा। स्थितियां ऐसी हो चुकी है। देश के बहादुर जवान के लाश जब आई तमाम लोग रोवा तड़म। गाजीपुर के कोनो ऐसा गांव देखे कि जहां से लोग नहीं खाना, यहां तक कि बागी बलिया के लोग भी वहां पहुंचे थे। जानों की परवाह न करते हुए तमाम लोग मौजूद हैं अपने रियल हीरो के देखे खातिर। नेताजी लुआवे तो बहुत कम भीड़ होले, पैसा पर भीड़ होले, लेकिन देश के बहादुर जवान जो शहीद हुआ है, लोग सोचलन कि हमनी के जी की का कर दे। एगो बहादुर भाई के लाश आई बा अंतिम दर्शन को लेल जा। यहां तक कि यह भी बताया गया कि जंगीपुर के हमारे विधायक माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी मौजूद थे। वीर जवान उठाए के लसिया के जब कन्हैया पर चलन तब यहाँ के अल्लाह लिखे कमल बहादुर। कैसे अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम, अपने भले दुबेरा सूत जे हम, लेकिन अपने लाल के घी दूध बादाम खिया के देश के सेवा करे लायक बनावे लो। जानत नहीं का है खती कि एक दिन हमारे बेटा हिंदुस्तान के नाम आगे करी और कमीनन के सामने कभी गर्दन ना झुकाई। एक दिन हमारे बेटा गरीबी दूर करी। एक समय था कि हमारे देश के बहादुर जवान जब शहीद होते थे तो राम केवल जी आपको याद होगा, आप बहुत दिन से विरह गा रहे हैं, देश के बहादुर जवानों को रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। लेकिन एक ऐसा भी समय आया कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जब वो पहली बार रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने लागू किया कि जो जवान शहीद होते हैं उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख नहीं, जो भी शहीद होते हैं उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। माई बाबू के खाली टोपी बेल्ट ना, माई बाबू के लगिया वो शहीद बेटा के लाश भी जाए। वर्तमान समय में 20 लाख रुपया मिल रहा है,
और डेड बॉडी उस माता पिता के पास भी पहुंचाते हैं लोग। माँ अपने लाल को देख करके छाती से लगा करके अपने आप को गर्वानित महसूस करती है। यह नेताजी की देन है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है। नेता शब्द दो ही इंसान के आगे लगा है। एक नेता हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं और दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को हम कह करके संबोधित करते हैं। कहता कि आवाज उठाने के लिए अगर विपक्षियों को जवाब देने वाला अगर कोई नेता है तो और कोई नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। छोटका भाई जो 12 साल के रहल अमन कुमार, वही अमन कुमार के द्वारा अश्वनी कुमार यादव के मुख अग्निदान दिहल गई। ये बाबू पूरे परिवार के लोग गम के सागर में डूबल पड़ो, कैसू तेरे ही बीतल। विधवा रोवा दिया कि हमार पति शहीद हो गए, हमके कहा मिली सहानुभूति में बड़ा मिली तो 15-20 लाख रुपया मिली। हमारे पति के नाम पर फूल माला चढ़ावल गई। फूल माले की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, देना है तो मेरे पति के लिए एक काम कर देना। सरकार से कहती है क्या बहादुर आखिरी भाव, मौत